कांटे फिल्म के सीक्वल की शूटिंग कब से शुरू होगी और वो बॉलीवुड की कल्ट फिल्म कौन सी है जो संजय दत्त और डोन छोटा शकील की बातचीत लीक होने से अटक गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, संजय गुप्ता एक फिल्म बना रहे थे जंग नाम की। फिल्म काफी समय से बन रही थी, 1998 में शुरू हुई थी और तकरीबन 2000 में भी फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग बाकी थी। लेकिन अचानक से प्रोड्यूसर का दिमाग भिन्नाया और उसने इनकम्प्लीट फिल्म को ही रिलीज करने का मन बना लिया। संजय दत्त ने कहा, थोड़ी सी शूटिंग बची है, खत्म कर लेते हैं, फिर फिल्म के साथ जो करना हो करे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा, अब कोई शूटिंग नहीं होगी, एक आध आइटम नंबर शूट करो और खत्म करो। गानों को लेकर भी प्रोड्यूसर की शर्त थी कि इन्हें फिल्म सिटी से लेकर लिंकिंग रोड के बीच ही शूट किया जाए, इसमें पैसे भी कम लगेंगे और समय भी। संजय दत्त को इन बातों से बेहद गुस्सा आया और उन्होंने फिल्म आधी ही छोड़ दी। इनफैक्ट अपनी लाइनों की डबिंग करने तक से भी इनकार कर दिया। जैसे तैसे फिल्म के बाकी टेक्निकल काम निपटाकर प्रोड्यूसर ने वो फिल्म रिलीज कर दी और कमाल तो ये हुआ कि फिल्म वाकई में चल गई। इस फिल्म के बाद संजय गुप्ता ने उस फिल्म पर काम शुरू किया जिसे वो पिछले 8 सालों से बनाना चाहते थे। उसकी कहानी लिखी और अपने बेस्ट फ्रेंड संजय दत्त के पास पहुंचे। गुप्ता और दत्त ने 1.5-2 साल तक उसकी स्क्रिप्ट पर काम किया। स्क्रिप्ट रेडी हो गई। हॉलीवुड के प्रोड्यूसर राजू पटेल और प्रीतिश नंदी इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को तैयार हो गए। तय हुआ कि इस फिल्म को हॉलीवुड में वही के टेक्निकल क्रू के साथ शूट किया जाएगा। इसे लॉस एंजल्स में 30 दिन में शूट किया गया। पूरी तरह से LA में शूट की जाने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी। टॉप क्लास एंसेंबल स्टार कास्ट को लेकर बनी ये एक स्टाइलिश फिल्म थी। फिल्म का नाम कांटे। बाद में इसे बनाने वाले संजय गुप्ता कांटे फेम संजय गुप्ता बन गए। लेकिन फिल्म को रिलीज करना इतना भी आसान नहीं था। जी हाँ, दरअसल महेश मांजरेकर की फिल्म कुरुक्षेत्र की रिलीज के बाद संजय दत्त, महेश मांजरेकर, संजय गुप्ता और हरीश सुगंध शिरडी मत्था टेकने गए थे। वहां से वापस आते समय ये लोग 14 दिसंबर 2000 को नासिक के एक होटल में रुके हुए थे। वहां से इन चारों ने दुबई बेस्ड डॉन छोटा शकील से फोन पर बातचीत की। एक बार फिर से पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा, लेकिन कर करा के कुछ दिनों में ये सारा झोल खत्म हो गया था। कांटे की रिलीज डेट अगस्त 2002 में फिक्स की गई। जुलाई में उनकी बातचीत का वो टैप पुलिस ने पब्लिक कर दिया। वो टैप पूरी मीडिया में फैल गया। कांटे साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से थी। वजह थी उसकी स्टार कास्ट। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, लकी अली और कुमार गौरव ने काम किया था। और टेप की लीक के बाद अब फिल्म की हालत ये थी कि उसे डायरेक्टर से लेकर दो लीडिंग एक्टर्स संजय और महेश अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन में पकड़े गए थे। इस बातचीत में छोटा शकील बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की धाक को कम करने की बात कहते सुना जा सकता है। संजय दत्त उसे फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अंदर वाली खबरें बता रहे थे, साथ ही गोविंदा की शिकायत भी कर रहे थे और महेश मांजरेकर डॉन से उसकी कहानी मांगकर फिल्म बनाने की बात कर रहे थे। मतलब संजय गुप्ता के करियर की सबसे बड़ी फिल्म उन्हीं की वजह से मुश्किल में फंस गई थी। लकी अली ने कांटे की शूटिंग खत्म करने के बाद सुर की शूटिंग की थी। सुर फिल्म बनकर रिलीज हो गई और कांटे की राह के कांटे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिल्म की अगली रिलीज डेट 6 और फिर 11 दिसंबर तय हुई, लेकिन कांटे इन दिनों पर भी रिलीज नहीं हो पाई। फाइनली तमाम दिक्कतों और विवादों के बीच इसे 20 दिसंबर 2002 को रिलीज किया गया। संजय गुप्ता अपनी टीम के साथ US में शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान अमेरिका में 9:11 अटैक हो गया। पूरा अमेरिका हाई अलर्ट पर था। इसका असर ये पड़ा कि कुछ दिनों के लिए शूटिंग रुक गई। इस वजह से खर्चा बढ़ गया और पहले से प्लान की गई जगहों पर शूटिंग करने की परमिशन भी कैंसिल कर दी गई। इस फिल्म के लिए संजय गुप्ता ने हर किरदार का लुक अलग तरीके से डिजाइन करवाया था। सब लोग रफ टफ जोन में थे, लेकिन एक दूसरे से अलग दिख रहे थे। एक बार सुनील शेट्टी लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से निकल रहे थे। उनके संदेहास्पद लुक की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी उन्हें आतंकवादी समझ रही थी। उनसे पूछताछ शुरू हुई। उन्हें पुलिस वालों को बहुत समझाना और सबूत दिखाना पड़ा कि वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक बॉलीवुड एक्टर है। बस उनका फिल्म वाला लुक थोड़ा शेडी है।
सुनील ने फिल्म में मार्क नाम के एक बाउंसर का रोल किया था, जिसकी गर्लफ्रेंड बार में डांसर है। इसी फिल्म के बाद सुनील शेट्टी का नाम अन्ना पड़ गया था। संजय दत्त अपनी खुश मिजाजी और मुंहफट होने के लिए जाने जाते हैं। कांटे के सेट पर भी वैसे ही मस्ती में रहते थे, लेकिन सुनील शेट्टी उन्हें बार बार समझाते रहे। इससे परेशान होकर संजू बाबा ने उन्हें अन्ना यानी बड़ा भाई बुलाना शुरू कर दिया। फिर वही चीज अमिताभ बच्चन फॉलो करने लगे। धीरे धीरे सेट पर सब लोग उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे और अब उन्हें हर उम्र वर्ग के लोग उन्हें अन्ना ही बुलाते हैं। इस फिल्म की कास्टिंग अपने आप में काफी बड़ा इवेंट थी। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव पहले से ऑन बोर्ड थे, लेकिन मैक के कैरेक्टर के लिए अक्षय खन्ना कास्ट किए गए थे। लास्ट मोमेंट पर अक्षय ने फिल्म नहीं करने का फैसला ले लिया। फाइनली उस कैरेक्टर में सिंगर लकी अली को ले लिया गया। यही किरदार फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में सभी कैरेक्टर से हमारा इंट्रो करवाता है और पूरी फिल्म में बतौर नैरेटर बना रहता है। संजय गुप्ता कांटे को मेंस फिल्म कहते हैं, यानी ये फिल्म मर्दों के बारे में है। हालांकि उन्होंने कुछ हीरोइनों को भी फिल्म में लिया, लेकिन उनके किरदारों लंबाई गेस्ट अपीयरेंस जितनी ही थी। रति अग्निहोत्री ने अमिताभ बच्चन की बीमार पत्नी का रोल किया था। मलाइका अरोड़ा सुनील शेट्टी की बार डांसर गर्लफ्रेंड के रोल में थी। साथ में उनके हिस्से माहीवे जैसा सुपर हिट गाना भी था। इन लोगों के साथ साथ ईशा कोप्पिकर भी इस फिल्म का हिस्सा थी। फिल्म का सबसे हिट गाना माहीवे उस दौर का ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ था। संजय गुप्ता ने ईशा को फिल्म के लिए साइन करते हुए कहा कि उनका कैरेक्टर संजय दत्त की गर्लफ्रेंड का होगा। राम गोपाल वर्मा की कंपनी में खलास नाम का आइटम नंबर करने के बाद वो रेस बन गई थी, लेकिन अब उन्हें सिर्फ आइटम नंबर ही ऑफर हो रहे थे। ऐसे में इसे एक्टिंग करने का मौका समझकर ईशा ने हाँ कर दी। उनके हिस्से की शूटिंग शुरू हुई। सबसे पहले इश्क समुंदर गाने की शूटिंग हुई। गाने के खत्म होते ही ईशा को कहा गया कि फिल्म की लंबाई थोड़ी ज्यादा हो रही है, इसीलिए संजय की गर्लफ्रेंड वाला हिस्सा स्क्रैप करना होगा और उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ईशा अपने कई इंटरव्यूज में इस वाक्य को अपने साथ हुई चीटिंग मान चुकी है। तो वहीं संजय गुप्ता की तकरीबन सभी फिल्मों को विदेशों फिल्मों का रीमेक बताया जाता है। उनकी पहली फिल्म आतिश अ बेटर टुमारो से इंस्पायर्ड बताई जाती है। राम शस्त्र की प्रेरणा हार्ड टू किल बताई जाती है। कांटे के बारे में भी कहा गया कि ये क्वेंटिन टेरेंटिनो की कल्ट फिल्म रिजर्वायर डॉग्स की रीमेक है। संजय खुद मानते हैं कि सिर्फ रिजर्वायर डॉग्स से नहीं, उनकी फिल्म हांगकांग की फिल्म सिटी ऑफ फायर से भी प्रेरणा लेकर बनाई गई है। इसी वजह से कांटे को कभी ज्यादा भाव नहीं दिया गया। 2007 में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स में शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर श्रीनिवास टेरेंटिनो का इंटरव्यू ले रहे थे। जब उनसे उनकी फिल्म की इस रीमेक के बारे में पूछा गया तो टेरेंटिनो का कहना था, मेरी फिल्म रिजर्वायर डॉग्स के ढेरों रीमेक्स में से हांगकांग में बनी। टू मैनी वेज टू बी नंबर वन और कांटे मुझे कमाल लगी थी। इस कांटे फिल्म की सबसे अच्छी बात ये थी, इंडिया के कुछ लोग यूएस आते हैं यूएस के एक बैंक को लूटने के लिए। ये काफी कूल था। मैं सम्मानित महसूस कर रहा था कि ये सारे किरदार बॉलीवुड के लेजेंड लोग निभा रहे हैं। मैं यहाँ बैठा एक फिल्म देख रहा हूँ, कांटे, जो मेरी ही बनाई फिल्म की रीमेक है। लेकिन फिर ये फिल्म हर किरदार के पीछे की कहानी बताती है। मुझे ये चीज बड़ी शानदार लगी। मैं हर बार अपनी फिल्मों में किरदारों की बैकग्राउंड स्टोरी रखता हूँ, लेकिन वो हर बार एडिटिंग में कट जाती है। इसीलिए मैं कांटे में ये सब बात देखकर काफी हैरान था। देखते देखते अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये रिजर्वायर डॉग्स नहीं है, लेकिन आखिर में ये फिल्म अपने किरदारों के गुप्त ठिकाने पहुंचती है और मुझे लगता है कि ये वापस से रिजर्वायर डॉग्स वाले जोन में आ गई है। वेल, ये कितनी मजेदार बात है। दोस्तों, रिजर्वायर डॉग्स के 25 साल पूरे होने पर क्वेंटिन टेरेंटिनो ने अप्रैल 2017 में 3 फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी थी। इस स्क्रीनिंग में रिजर्वायर डॉग्स के साथ सिटी ऑफ फायर और कांटे को भी प्रीमियर किया गया था। ये प्रीमियर टेरेंटिनो के थिएटर न्यू बेवरली हिल्स में हुआ था। तो दोस्तों, जहां इन दिनों बॉलीवुड में रीमेक्स और सीक्वल की बहार है, तो ऐसे में कांटे फिल्म के रीमेक की चर्चा भी जोरों शोरों पर हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि उस दौर में 6 लेजेंड एक्टर्स ने एक साथ इस फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाई, तो आज के टाइम पर वो कौन 6 लेजेंड एक्ट्रेस होंगे जो इस फिल्म के रीमेक में काम करेंगे? वेल, आपको क्या लगता है, इस फिल्म के साथ कौन कौन एक्टर न्याय कर सकता है?
नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।